नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने जिन कोचों को अस्पताल के वार्ड में तब्दील किया था, उन्हें अब दोबारा यात्री कोच में बदला जा रहा है। ये प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। भोपाल रेल मंडल ने 60 कोचों में वार्ड बनाए थे। इसमें मरीज को भर्ती करने के संसाधनों का इंतजाम किया गया था, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा रूम, पानी बोतल, सोने के लिए बिस्तर, डस्टबिन आदि का इंतजाम किया गया था। कोरोना की पहली लहर में तो इनकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में इन कोचों को भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 की ओर खड़ा किया था। इनमें कोरोना संक्रमित को भर्ती भी किया था। करीब एक महीने तक 70 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज इस ट्रेन में किया गया। इससे पहले और बाद इनके उपयोग की जरूरत नहीं पड़ी थी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि ये सभी मंडलों में ये कोच खड़े हुए हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आने वाले समय में उपयोग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी राज्यों ने अस्पताल का पर्याप्त इंतजाम कर लिया है। उनमें बिस्तर की संख्या बढ़ाई है, जिसे देखते हुए कहा गया है कि मोबाइल आइसोलेशन कोच को प्रत्येक मंडल अपनी ज़रूरत के मुताबिक उपयोग कर सकते हैं। जिन कोचों को मोबाइल आइसोलेशन कोच में बदला था, उनमें से ज़्यादातर काफ़ी दिनों से उपयोग में नहीं लिए जा रहे थे। जो कुछ कोचों को ओवरहॉलिंग के लिए लाया गया था, ऐसे कोच में माल परिवहन कोच में बदला जा सकता है। बहुत सी ऐसी ट्रेन भी थी जिन ट्रेनों को बंद करके उन ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन कोच में बदला गया था। जैसे हमको यहाँ की और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। आपको बताते चलें कि इनमें ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन थी, जिन पैसेंजर ट्रेन के कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया था। इसी वजह से रैक की समस्या के कारण बहुत सी ऐसी ट्रेन थी जिनको शुरू नहीं किया गया था। अब दोबारा से भारतीय रेलवे उन सभी कोच को आइसोलेशन कोच से हटाकर समान श्रेणी के कोच पहले की तरह कोच बना देगी, ताकि उनमें से कुछ कोच दूसरी ट्रेनों में यूज किए जा सकें।